दोस्तों बिग बॉस सीजन 13 के अंदर अपलॉट ट्विस्ट तब आ गया है जब सिद्धार्थ शुक्ला ने घर में दोबारा एंट्री मार ली है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की अब हेल्थ बिल्कुल सही है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें रिकमेंड किया है कि वो घर में कमबैक कर सकते हैं। अब सिद्धार्थ शुक्ला के घर में आने से होने वाली है पूरे घर की डायनामिक्स चेंज। और यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला मास्टर प्लानर भी हैं तो टीआरपी किंग भी हैं, तो यानी कि वापस बढ़ने वाली है बिग बॉस की टीआरपी। सिद्धार्थ शुक्ला हाल फिलहाल घर के अंदर काफ़ी अच्छा गेम खेलते नजर आ रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी बनी है। तो दूसरी ओर अब सिद्धार्थ शुक्ला के घर में आने से शहनाज को बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि शहनाज उनकी बहुत अच्छी दोस्त है तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस भी करती है। दूसरी ओर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर उनके दुश्मन काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होने वाले हैं, क्योंकि जहाँ अब उनकी जिनसे बनती नहीं है वो राइवल में जो इनके हैं वो उनके साथ का जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा रहने वाला है। माहिरा पारस और साथ ही साथ शहनाज जो है बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो वहीं रश्मि आसिम अरहान जैसे लोग काफ़ी दुखी भी होने वाले हैं। अब इन दोनों के अलावा, इन सभी ग्रुप्स के अलावा एक और चीज़ होगी घर के अंदर, वो होगा नॉमिनेशन टास्क। नॉमिनेशन टास्क में सिद्धार्थ शुक्ला जहाँ तक है आसिम को नॉमिनेट करते हुए नज़र आ सकते हैं, और साथ ही साथ आसिम की वजह से सिद्धार्थ को इनसिक्योरिटीज़ भी फील होने लगी हैं कि आसिम भी अच्छा गेम खेल रहे हैं तो अब वो अच्छे कंटेंडर बनकर सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर अब देखना होगा कि इन सब के बीच में सिद्धार्थ शुक्ला का गेम आगे जाकर कितना स्ट्रांग रहता है। बहरहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं बिग बॉस के मंडे के एपिसोड के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खेलो खेलो को, क्योंकि मिलती है बिग बॉस से जुड़ी आपको हर खबर सबसे पहले। दोस्तों बिग बॉस सीजन 13 के अंदर अपलॉट ट्विस्ट तब आ गया है जब सिद्धार्थ शुक्ला ने घर में दोबारा एंट्री मार ली है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की अब हेल्थ बिल्कुल सही है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें रिकमेंड किया है कि वो घर में कमबैक कर सकते हैं। अब सिद्धार्थ शुक्ला के घर में आने से होने वाली है पूरे घर की डायनामिक्स चेंज। और यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला मास्टर प्लानर भी हैं तो टीआरपी किंग भी हैं, तो यानी कि वापस बढ़ने वाली है बिग बॉस की टीआरपी। सिद्धार्थ शुक्ला हाल फिलहाल घर के अंदर काफ़ी अच्छा गेम खेलते नज़र आ रहे हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी बनी है। तो दूसरी ओर अब सिद्धार्थ शुक्ला के घर में आने से शहनाज को बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि शहनाज उनकी बहुत अच्छी दोस्त है तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस भी करती है। दूसरी ओर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर उनके दुश्मन काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होने वाले हैं, क्योंकि जहाँ अब उनकी जिनसे बनती नहीं है वो राइवल में जो इनके हैं वो उनके साथ का जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा रहने वाला है। माहिरा पारस और साथ ही साथ शहनाज जो है बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो वहीं रश्मि आसिम अरहान जैसे लोग काफ़ी दुखी भी होने वाले हैं। अब इन दोनों के अलावा, इन सभी ग्रुप्स के अलावा एक और चीज़ होगी घर के अंदर, वो होगा नॉमिनेशन टास्क। नॉमिनेशन टास्क में सिद्धार्थ शुक्ला जहाँ तक है आसिम को नॉमिनेट करते हुए नज़र आ सकते हैं, और साथ ही साथ आसिम की वजह से सिद्धार्थ को इनसिक्योरिटीज़ भी फील होने लगी हैं कि आसिम भी अच्छा गेम खेल रहे हैं तो अब वो अच्छे कंटेंडर बनकर सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर अब देखना होगा कि इन सब के बीच में सिद्धार्थ शुक्ला का गेम आगे जाकर कितना स्ट्रांग रहता है। बहरहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं बिग बॉस के मंडे के एपिसोड के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खेलो खेलो को, क्योंकि मिलती है बिग बॉस से जुड़ी आपको हर खबर सबसे पहले।